अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम चाय के साथ कैलीग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं, कैलीग्राफी की चुस्कियाँ लेने वाले हैं, तो चलिए मेरे साथ। अगर आपको कैलीग्राफी पेंटिंग करनी है तो सबसे पहले तो जैसे कि सबको पता है कि कैनवस और कलर इसमें इम्पोर्टेंट थीम होते हैं, इनसे ही पेंटिंग की जाती है। लेकिन आज हम आपको इसके साथ साथ पैलेट नाइफ का काम भी दिखाएंगे कि कैसे पैलेट नाइफ को यूज़ करके आप पेंटिंग कर सकते हैं, पेंसिल से स्केच करके आप कैसे अपना मतलब पूरा एक स्केच कर ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर आप अपने माइंड में आने वाले तमाम ख्यालात को अपने कैनवस पे उतार सकते हैं और वो एक खूबसूरत शक्ल ले लेते हैं। असल में ये जो पेंटिंग आर्ट है ना, ये हम ये नहीं कह सकते कि इस इंसान को आता है या इसने सीखा, ये एक बोर्न टैलेंट भी कहा जा सकता है इसे, क्योंकि ये आप फील करते हैं, आप महसूस करते हैं, आप किसी को नहीं बता सकते कि आप मतलब क्या महसूस करते हैं एक पेंटिंग बनाते वक्त, लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं ये आपको मींस के रिलैक्स कर देती हैं। दिस इज़ अ प्रीशियस फीलिंग इन द वर्ल्ड, ये हमारी फीलिंग्स हैं, हम जो महसूस करते हैं वही कैनवस पे उतार सकते हैं। ये कहना कि मैंने फलाना कोर्स किया है या फिर मैंने ये किया है या फिर मैंने सीखा है, तो ये चीज़ मेरे मुताबिक तो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि ना मानने काबिल है, क्योंकि ये चीज़ सीखने से नहीं आ सकती या ये ज़बरदस्ती की ही नहीं जा सकती, ये तो एक दिली महसूस करने वाला कारवा है, एक बहुत अच्छी फीलिंग है, एक मैं आपको क्या बताऊँ। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।